गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने T20 की टीम बनाई। दो धुरंधरों ने भी जगह पाई, लेकिन ईशान किशन की जगह किसने खाई, क्या है पूरे खबर की जानकारी हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। भारत और बांग्लादेश की इस वक्त टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद 1 से 20 सीरीज है, 3 T20 मुकाबले भारत और बांग्लादेश के बीच में होंगे, भारत में ही, और उसके लिए टीम लगभग तैयार हो चुकी है क्योंकि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव एक कोर टीम पहले ही बना चुके हैं। कई सारे टेस्ट खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा, तो जो जिम्बाब्वे में खिलाड़ी खेले थे उनको भी मौका दिया जाएगा, श्रीलंका में जो खिलाड़ी खेले थे उनको भी मौका दिया जाएगा, और एक युवा टीम, कोर टीम और एक मिक्स टीम तैयार की जाएगी, यानी कि जिसमें एक्सपीरियंस भी होगा, युवा खिलाड़ी भी हैं और ऐसे खिलाड़ी भी होंगे जो लगातार प्रदर्शन करके आ रहे हैं। दरअसल सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने टीम तो तैयार कर ली, लेकिन अगले हफ्ते या फिर आने वाले हफ्ते में इस टीम की घोषणा हो जाएगी। टेस्ट खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा, अर्षभ पंत को T20C से आराम दिया जाएगा, वो हिस्सा नहीं होंगे क्योंकि अर्षभ पंत का फोकस अभी आने वाले टेस्ट मैचेस पे है, यानी कि न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज होगी उस पे और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब दो विकेट कीपर इस टीम का हिस्सा होंगे, ऐसी खबरें सामने आई हैं। संजू सैमसन और जितेश शर्मा इस रेस में आगे हैं। ये भी खबरें आई हैं कि संजू और जितेश शर्मा को मौका दिया जाएगा, क्योंकि संजू सैमसन को टेस्ट क्रिकेट में खिलाते नहीं है, वनडे क्रिकेट भी चांस कम मिलता है, लेकिन T2.2 टीम में इनको खिलाया जा सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे। तो जितेश शर्मा को यहां पर एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा जा सकता है। ईशान किशन को बाहर किया जा सकता है क्योंकि ईशान को रेस्ट ऑफ इंडिया में शामिल किया गया, जो रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस मुंबई का मैच होने वाला है ईरानी कप में, उसमें ईशान किशन जो है टीम का हिस्सा है, और ईरानी कप जो है 1 से 5 अक्टूबर के बीच में होने वाला है, तो इसलिए ईशान किशन को जो है वह ईरानी कप में भेजा गया और संजू सैमसन और जितेश शर्मा को जो है वह T20 टीम में शामिल करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है।